नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती विजडम क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल भगवती विजडम क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में आपको दर निकालना सिखा दिया है, ब्याज निकालना सिखा दिया है, आज मैं आपको समय निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम साधारण ब्याज वाले चैप्टर में समय को निकालना सीखेंगे कि समय कैसे निकालते हैं और उसका जो मतलब समय होगा वो समय साल में होगा, तिमाही होगा, छमाही होगा या दिन में होगा, उसको हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और वीडियो को स्किप करके या छोड़ के मत जाना। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और हम यहाँ पर सभी ट्रिक्स को यहाँ कवर करने वाले हैं। अच्छी तरह से पूरी वीडियो को हम यहाँ पर कवर करेंगे, सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ अच्छी तरह समझेंगे, तो आप सभी लोग इससे जुड़े रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितने समय में 1200 रुपये राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 240,000। यहाँ टाइम निकालना है, मतलब टी फाइंड करना है, मूलधन ये आपका है टी, तो P बराबर है 1200, ठीक है, और ये दर है, R बराबर है 5% और SI सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया और ये है 240 रुपये, ठीक है। तो टाइम निकालने का जो फार्मूला है, समय या टाइम कुछ भी ले लो, और ये बराबर होता है वही SI इंटू 100 बटे मूलधन पी इंटू आर, क्योंकि आर हमें दिया हुआ है। तो SI है हमारा 240, 100, पी है 1200 और आर है 5%, ठीक है। और हम यहाँ पे इसे ये देखे, 12 दूना 20 हो गया, तो ये हो गया, तो 20/5 बराबर हो जाएगा, कैंसल आउट, 4 वर्ष आ जाएगा। तो मतलब ये 4 वर्ष बाद 1200 रुपये राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से इसका जो ब्याज होगा 240 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ समय तो 4 वर्ष आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये का कितने साल बाद ब्याज 450 रुपये हो जाएगा। तो टी आपको फाइंड करना है, पी दिया है 1500, ये आपका 1500 ब्याज होगा, ओ मतलब मूलधन होगा, ये ब्याज हो जाएगा 1500 रुपये, और टी जो है, सॉरी आर जो है, ये है 5% है, और ब्याज SI जो दिया है वो 450 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 बटे पी इंटू आर, और ये आपका है 450 × 100 बटे में पी है 1500 × r है 5, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कैंसिल काट हो जाता है, 15 × 30, तो 30/5 का मतलब हो गया 6 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद ये जो होगा कोई धनराशि 1500 रुपये का 5 साल बाद 450 रुपये ब्याज बन जाएगी। आगे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों, यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि कितने समय में, यहाँ समय पूछ रहा है, कोई मूलधन 5% ब्याज की दर से मूलधन का दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, तो माना मूलधन बराबर 100 मान लेते हैं, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर 200 हो जाएगा। तो ब्याज क्या बनेगा, 200 में से मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देते हैं, तो ये बराबर 100 हो जाएगा। यूँ कह सकते हैं, अगर दुगुना का मतलब ये हो गया, अगर मूलधन 100 है तो ब्याज भी 100 ही हो जाएगा, ठीक है। और दर यहाँ पर दिया है 5%, दर बराबर है 5% पर एनम सालाना दिया हुआ है, ये ध्यान रखना ब्याज सालाना होना चाहिए, तो अगर कुछ नहीं लिखा गया तो उसे सालाना ही माने जाए। जैसे यहाँ पर ब्याज दिया गया है लेकिन इसका यह नहीं दिया गया कि वार्षिक है, सालाना है और तिमाही है, छमाही या दिन में, तो ऐसे सवाल को हम वार्षिक ही मान लेते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर अब टी बराबर है
टी बराबर है एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू आर। तो एस आई तो है 100, ठीक है, मूलधन भी है 100, लेकिन आर कितना है, 5% है, ये कट गया और ये हो गया 100/5 का मतलब हो गया 20 वर्ष। समय हमेशा कुछ नहीं दिया है तो वर्ष में आएगा बच्चों, और दर हमेशा सालाना वार्षिक में आएगी। इस चीज़ को बहुत नोट करके रखना, ध्यान करके रखना, क्वेश्चन को दो बार कम से कम रीड करना। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 का मूलधन, यहाँ पर मूलधन दिया है, देखिए सारे सवाल अलग है, 6000 रुपये है, मिश्रधन यहाँ पर दिया है क्लियर अमाउंट में, बराबर है 7200, ठीक है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इसमें से घटा दो, 7200 माइनस 6000 बराबर 1200, ब्याज मिल गया। दर क्या है, 4%। अब हम सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समय बराबर टी बराबर है एस आई इंटू 100/P/R, और यहाँ पर एस आई है 1200, 100/P 6000 गुणे आर रेट 4%, ठीक है, 4% दर हो गई। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 6 दूनी 12 20, तो 20/4 का मतलब हो गया 5% ब्याज की दर पर ये जो है 6000 रुपये की राशि, सॉरी 5% नहीं, यहाँ 5 वर्ष आएगा, 4% ब्याज की दर से 6000 रुपये का 5 साल के बाद मिश्रधन 7200 हो जाएगा और ब्याज 1200 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आइए बच्चों क्वेश्चन देखिए कि कितने दिनों में 7300 रुपये का 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाता है। यहाँ दिन की बात पूछ रहा है, मूलधन दिया गया है, दर दी गई है और ब्याज दिया गया है, तो यहाँ पर पी जो दिया है 7300 है और आर बराबर है 5% पर एनम है, ठीक है, और साधारण ब्याज एस आई जो दिया है 100 रुपये, ठीक है। तो हम इसे टाइम निकालेंगे तो टी बराबर होता है एस आई इंटू 100/P/R। अब देखिए टाइम यहाँ पर दिन की बात पूछ रहा है, ठीक है, तो हम दिन को 365 से भाग देते हैं तो साल में बदलता है, तो या तो हम इसको 5% सालाना है तो 5/365 कर दें तो ये जो है क्या बन जाएगा, दिन के हिसाब बन जाएगा। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, ये साई है 100 रुपये, 100 और मूलधन है 7300 और दर है 5%। अब यहाँ दिन है इसलिए क्या करना है, हम यहाँ 365 से गुणा कर देंगे, ये ध्यान रखना कि अगर दिन में निकालना है तो 365 से गुणा कर देना है, ठीक है, और कैलकुलेशन करने पे जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, कट गया 73 5 से 5 कट जाएगा और ये हो गया 100 दिन,